FM ジャス。तो सभी को अच्छा लगता है कजामा? घर वाला होम नहीं, मशहूर जासूस शर्लॉक होम्स। वो एक मशहूर जासूस थे, बड़ा होकर मैं भी उनकी तरह बनूंगा शिनचान। जब हम घर में कोई जासूस का सीरियल देख रहे होंगे तो मैं मॉम को कहूंगा कि तुम ज्यादा अच्छे जासूस हो, इस तरह तुम बहुत मशहूर हो जाओगे। मैं असली जासूसी की बात कर रहा हूँ शिनचान। अरे नहीं, मैंने उसे ठीक से रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या हुआ मसा? मेरा गोल्डन कलर का क्रियान यहाँ से कहीं गायब हो गया है। क्या बात है? गोल्डन कलर का क्रियान तो सबसे ज्यादा महंगा होता है ना बाकी सारे कलर से। और नहीं तो क्या, मेरा गोल्डन क्रियान। अगर वो खो गया है तो तुम मॉम से कहकर नया सेट ले सकते हो ना। लेकिन कजामा जरा मेरी बात तो सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि मॉम डैड को बताने से पहले हमें वो गोल्डन क्रियान एक बार खुद ढूंढना चाहिए? अगर ऐसा है तो तुम क्यों नहीं ढूंढते? कंधा दबाने के लिए शुक्रिया कजामा। मसाओ, मैं तुम्हारे क्रियान ढूंढूंगा। क्या सचमुच शिनचान? अब तुम सब कुछ शकी डोम्स पर छोड़ दो, ठीक है? अगर ये काम तुम पर छोड़ा जाए तो समझ लो हो गया काम। हे वॉटसन, हे सुनो वॉटसन। अच्छा तो मैं हूँ वॉन्डन। वॉन्डन नहीं वॉटसन। ये सरनेम है या नाम मिस्टर होम्स? ये बात बताना जरूरी है क्या? आप तो इतने बड़े जासूस हो, आपको तो ये पता ही होगा, आप मुझे बता दीजिए ना। ये नाम है। तो फिर नाम क्या है? यामाडा। वॉटसन यामाडा, इसका मतलब वो फॉरनर है। तुम्हें गोल्डन क्रियोन के बारे में सोचना चाहिए। जासूस का पहला काम होता है हर चीज पर अपनी कड़ी और पार की नजर रखना। कई बार विक्टिम के बयान से ही मुजरिम तक पहुंचने का सुराग मिल जाता है। मुझे पता है, जुराब बहुत जरूरी सुराग होता है। सुराग? जब क्रियोन चोरी हुआ तो मसाओ बताओ तुमने कौन से कलर की जुराब पहनी थी? चुप रहो शिनचान। माफ कीजिएगा, मेरा नाम वॉटसन यामाडा है। हाँ ठीक है। जब लंच ब्रेक चल रहा था तो मैंने सोचा मैं एक पेंटिंग बना लूं और लंच ब्रेक में पेंटिंग। और जैसे ही मैंने पेंटिंग किट से क्रियॉन बॉक्स निकाल कर खोला तो गोल्डन कलर का क्रियॉन गायब था। तुमने गोल्डन कलर का क्रियॉन आखिरी बार कब देखा था? मेरे ख्याल से कल जब मैंने किट को पैक किया था उसी वक्त देखा था। नहीं बताया तो कहीं। सुनो डिटेक्टिव वॉटसन यामाडा के हिसाब से ये जो चोरी थी वो कल रात को हुई थी जब सब सो रही थी। क्योंकि उसके देश में गोल्ड थोड़ा कम है तो फिर उसने मसाओ का गोल्डन क्रेयन चुराया है। शायद इससे ही कोई सुराग मिल सके। क्या हुआ? मसाओ के क्रेयन्स मेरे क्रेयन से बड़े हैं। हे क्या कर रहे हो? डैनी तुम्हारा चेहरा एकदम उल्टा हो गया है। ये कैसी बातें कर रहे हो? एक जासूस को सुराग के लिए आसपास गिरी हुई चीजों पर भी नजर डालनी चाहिए। यह तो सिर्फ मिट्टी पड़ी है। जरा ध्यान से देखो। अरे आपको क्या हुआ शकी डोम्स मिस्टर कजामा? तुम ठीक तो हो ना? शिनचान फिर से गलत। मेरा नाम वॉटसन यामाडा है। मिस्टर वॉटसन, क्या आप दूसरी जगह जाकर देख सकते हैं? ओके सर, मैं अभी दूसरी जगह जाके देखता हूँ। हाँ
सबूत मिल गया, मुझे सबूत मिल गया। मेरे ख्याल से ये क्रेयॉन चोर के पैरों के निशान है। अरे ये तो काफी अजीब निशान है। बच्चों तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वॉटसन यामेडा हूँ और कजामा शकी डोम्स है और हम लोग यहाँ। मैं शर्लॉक होम्स हूँ। तुम हर बार ये नाम गलत ही बोलते हो। तो तुम डिटेक्टिव बने हो? हाँ मैम, इस वक्त हम डिटेक्टिव बने हैं। शिनचैन, क्या तुम इन निशानों को साफ करोगे? कोई सुराग नहीं मिला, जबकि हमने बड़े ध्यान से देखा। किसने देखा? ठीक है, ऐसा करते हैं, केस छोड़ देते हैं। केस बीच में नहीं छोड़ा जाता। शेरलॉक होम्स के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, समझे तुम? वॉटसन यामेडा के लिए भी कुछ भी मुश्किल नहीं होता। सचमुच? ठीक है, तो एक काम करो, घर की हर एक चीज एक बार फिर से याद करो। वो मैं आराम से याद करो। जल्दी जल्दी याद करो, जल्दी जल्दी याद करो। शिनचैन, याद करने के लिए नहीं कहा। ये क्या कर रहे हो? मुझे पता चल गया कि क्रेयॉन चोर कौन है। अरे हाँ, ये क्रेयॉन तो मैंने ही कल तुम्हें दिया था। बहुत बढ़िया। आज के बाद मैं तुम्हारे किसी भी केस की तहकीकात नहीं करूँगा। आज मैं मॉम के साथ शॉपिंग पर जाऊँगा। शिनचैन, शिनचैन। बोलिए मॉम। क्या तुम शॉपिंग पर मेरे साथ बाहर चलना चाहोगे? हम शॉपिंग पर जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे, मजा करेंगे। हम पिकनिक पर नहीं जा रहे, ये स्नैक्स वापस रखो। अगर मुझे रास्ते में बहुत ज्यादा भूख लगी तो मॉम? रास्ते में बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी बेटा। तो ठीक है, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। हम सिर्फ सुपरमार्केट तक जा रहे हैं, तुम्हारे कपड़े बिल्कुल ठीक है बेटा। और देखो मम्मा ने भी तो पुरानी ड्रेस पहनी है। मुझे इस पर बैठना है मॉम, क्यों ना हम दोनों इससे खेलें? मैं इस पर नहीं बैठ सकती। ओ समझा, आप अब बच्ची नहीं रही ना। मैं अगर इस पर बैठना चाहूँ तो बैठ सकती हूँ, पर अगर मैं इस पर बैठ गई तो लोग मुझे देखकर हंसेंगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? सुन रहे हो ना तुम मेरी बात? हाँ? जल्दी से बैठ जाओ बेटा, जल्दी से। मजा गया। हाँ हाँ, तुम्हें मजा क्यों नहीं आएगा? तुम तो हमेशा मेरी बेइज्जती करवाते रहते हो। पहली बार एक ऐसा ब्रश आपके सामने है जो बहुत अनोखा है। बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा खास है, एक बार खरीदेंगे तो बार बार खरीदते रहेंगे। हे, तुम कितनी क्यूट बच्ची हो, ये ले लो। हाँ, थैंक यू। कोई बात नहीं बच्चे। माफी चाहती हूँ मम्मा, मुझे ये मिला। मैं इस टूथब्रश को खरीदना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच मैम। ऐसा कीजिए, कैश आप उधर काउंटर पर दे दीजिए। हे बच्चे, तुम बलून लेना चाहते हो? तुम कौन सा कलर लोगे? दीदी अभी ने तो पूछा कि कौन सा कलर तुम्हें सोच रहा था। मुझे कौन सा कलर लेना चाहिए? ये वाला? नहीं, ये वाला शायद। ये अच्छा, ये वाला वो। ओ बच्ची, तुम कितनी क्यूट हो। मुझे वो आपकी कैप चाहिए, दे दीजिए ना। मैं कैप नहीं दूंगी। वी वी, क्या हमें ब्रश करते समय डांस करना चाहिए? मेरी मॉम इतनी बड़ी है कि बच्चों के खेल खेल ही नहीं सकती, क्या बच्चों के खेल खेल सकती हैं? चुप रहो बच्चे। देखो अब ये लो और कहीं और जाकर खेलो प्लीज। चुप रहो।
शिनचैन कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। वो कहाँ ढूंढूं मैं इसे? जरा देखो ठीक तो है ना, कैसे गिर गई है, उसे कहीं चोट ना लग गई हो? अरे अब आपको बहुत सारे गुब्बारे नीचे लाने पड़ेंगे। अरे वाह मॉम, आपकी स्पीड तो लाजवाब है। एक और बार करें प्लीज प्लीज। तुम चुप नहीं रह सकते? ये बताओ तुम वहाँ कर क्या रहे थे शिनचैन? नहीं नहीं रहने दो, तुम ना ही बताओ तो ज्यादा अच्छा है। पता नहीं आज कौन सी नई कहानी मुझे सुनाओगे। वाली जगह पर चली? बिल्कुल नहीं, हमें फिश वाले सेक्शन में जाना है, समझे? तुम इतना ज्यादा कह रहे हो बेटा, तो तुम्हारी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी ना, पर एक ही लेना बेटा, ठीक है? अरे वाह ठीक है। क्या मैं चीरो के लिए भी स्नैक्स ले लूं मॉम? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो भी तुम ही खा जाओगे। ठीक है अपने लिए ले लेता हूँ। इनमें से क्या लूं खाने के लिए? क्या मैं ये कैंडी लूं? या फिर टेस्टी टेस्टी चोको चिप? तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, बाय बाय। मुझे ये चाहिए। एक हजार रुपए? अरे इसे तो मेरा पूरा का पूरा बजट ही हिल जाएगा। आप मुझे दिलाएंगी ना? वैसे ये टेस्टी है, एक और दोगे बेटा? ये बच्चों के लिए है। तो क्या हुआ, मॉम भी इसे खा सकती है? मैं तो सारा केले खाऊंगा। जब देखो तब शैतानी,